और इस वक्त सीधे आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे हैं दिल्ली सेवा बिल। सभापति महोदय, पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को लगभग राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। उसी कमिटी के चर्चा के वक्त पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका अलग अलग तर्क देकर विरोध किया था। माननीय 1949 में संविधान के अंतिम मसौदे के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजी गई डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट का मैं पेरा पढ़ना चाहता हूं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत के राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन दिल्ली को रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद राजधानी के संबंध में पूर्ण विधायी शक्ति का अधिकार रखती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है। आगे अंबेडकर की रिपोर्ट कहती है, किसी विशेष क्षेत्र के मामले में क्या किया जाना है ये राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। निसंदेह वह अन्य मामलों की तरह इसमें भी जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर क्या करेंगे। यदि वह चाहे तो दिल्ली में एक उपराज्यपाल रख सकते हैं, वह आदेश द्वारा एक स्थानीय विधायिका भी बन सकता है और इसके संगठन एवं शक्तियों का प्रावधान संसद कर सकती है। माननीय श्रीमान मनोज जी ने कहा कि मैं कोटेशन को पढ़ाता हूं। मनोज जी, अगर इसी प्रकार के कोटेशन का इंटरप्रिटेशन आप JNU में पढ़ाते होगे तो विद्यार्थियों की बुरी गत होगी। कोटेशन का रेफरेंस मान्यवर कई मायनों में बदलता है, मगर भौगोलिक स्थिति और राजधानी का अस्तित्व ये तो आज भी वही है। ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के साथ सहमत नहीं थी कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। मनोज जी जरा समझा दे सदन को कि आज क्या दिल्ली राजधानी नहीं है। आज दिल्ली की राजधानी का महत्व समाप्त हो चुका है। कोटेशन कुछ ऐसे होते हैं मनोज जी, जो पृथ्वी के अंत तक सत्य सनातन होते हैं, बदलते नहीं। कुछ कोटेशन ऐसे भी होते हैं। मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 से दिल्ली को विधानसभा दी गई, किंतु विधानसभा की शक्तियां सीमित एवं संसद के कानून के तहत रखी गई। ये भी सोच समझ कर किया गया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में विधानसभा को भंग कर दिया गया और दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। लगभग 3 दशक तक मान्यवर व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकार या कमेटी बनी, जो बाद में बालकृष्णन कमेटी में परिवर्तित हुई और उसमें 1991 में 69वां 69वां संवैधानिक संशोधन किया, जिसमें संविधान में धारा 239AA डाली गई और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। मैं इस बात पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के रेफरेंस में संविधान का जब भी जिक्र करते हैं, दिल्ली के शासन को मिले हुए अधिकारों के लिए, तब संविधान में धारा 239AA को पढ़ना होगा, क्योंकि ये विशेष धारा है जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीजों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें
राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। माननीय, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर माननीय इसका रास्ता निकलेगा। 91 से 2015 तक ऊपर नीचे कई बार एक दल की सरकार आई, कई बार विपक्ष की सरकार आई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वर्णन किया गया है, ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर वो ही चलते थे। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। माननीय, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ, उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार आई और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है, भैया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया, ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया है। और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, कोई पावर लेने की जरूरत नहीं। एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर हम आए। माननीय, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। माननीय, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे, अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। माननीय, मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि नई व्यवस्था आई, कई सदस्यों ने कहा, मैं तो तब बोलना नहीं चाहता मगर कहा है इसलिए सिर्फ रिपीट करता हूं कि अराजकता फैलाने का काम दिल्ली में शुरू हो गया है। माननीय, शासन व्यवस्था के एक फ्रेमवर्क में चलना पड़ता है। अगर मैं मंत्री हूं तो मेरे मंत्री के नाते अधिकार है तो दायित्व भी है, मैं किसी और के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। माननीय, कई बार ऐसी व्यवस्था ही, मैं बाद में बात करूंगा, अभी चिदंबरम जी खड़े हो गए थे, वो होम मिनिस्टर थे तब क्या हुआ था और उन्होंने फाइल पर क्या लिखा है वो भी है मेरे पास, मैं बताऊंगा। माननीय, परंतु मैं इतना स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि 91 से लेकर 2015 तक ये व्यवस्था जस की तस थी, जिसको बदलने के लिए 2015 में एक परिपत्र किया गया दिल्ली सरकार द्वारा, जिसको नलीफाई करने के लिए भारत सरकार ने एक परिपत्र सेवाओं के बारे में इश्यू किया, उसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष में फैसला आया, फिर सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को वो रिफर कर दिया गया। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक आदेश दिया जिसका सार है कि मंत्री परिषद की अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया। माननीय, फिर वो डिवीजन बेंच के अंदर, दो जज की बेंच के अंदर गया, वहाँ सहमति नहीं बनी और फिर से खंडपीठ को रिफर कर दिया गया और 11 मई को
सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सेवाओं के मामले में अपना निर्णय दिया। ये जो निर्णय है माननीय, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये विषय तय किया है, भारतीय संघ को केवल 3 विषयों पर पॉलिसी और पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 विषय पर ही कार्यकारी अधिकार प्राप्त है। सेवाओं का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहता है, परंतु उसी जजमेंट में ये कहा गया, हालांकि 239 AA को कोट कर कि संसद को दिल्ली राजधानी क्षेत्र के सभी विषयों पर और किसी भी क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है। माननीय, अब जो लॉयर होते हैं वो बातों को बहुत खूबसूरत तरीके से रखने में माहिर होते हैं। एक ही अधिवक्ता एक बार एक धारा को डिफेंड करता है तो वही अधिवक्ता दूसरी बार वही धारा का विरोध करता है, मगर हमको तो ऐसी महारत हासिल नहीं। हम तो सार्वजनिक जीवन के छोटे कार्यकर्ता है, तो जो सच होते हैं वो बोलते हैं। मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी को ध्यान से सुना, मान्यवर उन्होंने कहा, उन्होंने क्या करा उनको पूरा मालूम है, मैं मानता हूँ मालूम होगा, बड़े विद्वान वकील है। उन्होंने अनुच्छेद 339(7)(a) को पढ़ा, जिसमें लिखा है 239(7)(a) के तहत संसद को केंद्र सरकार के प्रावधानों को इफेक्ट देने या सप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार, ये उन्होंने पढ़ा। मगर इसके ऊपर 3B में नहीं गए। मैं अब पढ़ता हूं 3B क्या है। पहले मैं 239(a) में दिल्ली के विषय में विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश है, विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश। माननीय, इसके 239(a)(a)(3)(b) के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। अब मैं विनम्रता से इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर आता है, इसमें सर्विसेस आती है या नहीं आती है, सर्विस विषय है या नहीं। और मान्यवर, और इससे आगे जाकर 239(a)(a)(3)(c) के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले, हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। ऐसा
मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, वुड यू प्लीज रेज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं सर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रहूंगा। आवर रोल इज, आवर रोल सेज अनपार्लियामेंट्री वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस हाउस। वी हैव द बुक ऑफ लिस्ट, और उसी लिस्ट के हिसाब से किसी पार्टी किसी के साथ जाने पे उसकी गोदी में बैठी है, ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री है। कल हम भी बोलेंगे, आप किसकी गोदी में बैठे हैं, तो डेकोरम आप कहते हो, तो डेकोरम मेंटेन हम भी करना चाहते हैं। और स्पीकर सर, यू आर नॉट टू मेक अ स्पीच, आई हैव हर्ड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आई रिजेक्ट द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टेक योर सीट सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी बड़ी दुहाइयां दी, संविधान की दुहाइयां दी, डेमोक्रेसी की दुहाइयां दी, और अदालत के फैसले की सम्मान करने की दुहाइयां दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूँ। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूं कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो न्याय की कानून की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जनभावनाओं के अनुरूप वो नहीं पाए जाते हैं। तो दे इस आजादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण है जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला है। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष जी। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए, हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं, कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की, प्लीज। ऑनरेबल मेंबर्स, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर वो थ्रू आउट प्रेजेंट बाई एंड लार्ज एंड ही हर्ड एवरी वन वेरी पेशेंटली एंड एवरी वन इन द हाउस नाउ ही हैज अ राइट एंड ड्यूटी एज होम मिनिस्टर टू एड्रेस द हाउस। ही इज
Something wrong? Honorable Home Minister, nothing will go regard. Please. मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है भैया, डिस्कस। मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और जब माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश अब लाए थे, तो बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए। मैंने देखिए, इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उद्वेलित होगी, मगर मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला आया और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को SC को, सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा, इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी 2 दर्ज हुए इसी विषय पर। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, और एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया, उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती है और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते, संविधानिक खंडपीठ भी बना सकते और स्थगन आदेश दे सकते। वैकेशन के बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस आ गया, वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज करके स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं, अब एक क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए। मगर यहां चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे, भैया अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए। इसलिए मान्यवर, ये जल्दी करनी पड़ी। मान्यवर, मैं आगे बताता हूं ये जल्दी क्यों करनी पड़ी। मान्यवर, अब मेरे पास भी एक क्रोनोलॉजी है, जरा उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, 11/5/23 को ये अध्यादेश आया और ये फैसला आया। फैसला लगभग 3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर? फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इस पर आदेश पारित करेगी, तब जाकर फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं, मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी, जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ, एक नीति विषयक फैसला लिया जो 2 जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ
जो इस पद पर तैनात हो सके सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया था। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया बोले। अभी तो खंडपीठ दो जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया, सोशल मीडिया में घोषणा कर दी। अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया, सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं, इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया